कम व्यूअर्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। कॉपर एक आवश्यक ट्रेस खनिज है जो मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिजेनिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यही नहीं, यह विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में भी मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट तांबे से समृद्ध पानी पीने से तीनों दोष कफ, वात और पित्त को संतुलित करने में मदद मिलती है। यही नहीं, यह विभिन्न अंगों और कई चयापचय मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने और अच्छे ढंग से काम करने को सुनिश्चित करता है। रात में एक तांबे के बर्तन में 2 से 3 ग्लास पानी रखें और इसे सुबह पिएं। याद रखिए कि इस प्रक्रिया को अधिक ना करें। 2 से 3 ग्लास कॉपर वाटर एक दिन के लिए पर्याप्त है। जब एक तांबे के बर्तन में पानी को रखा जाता है तो उसका तांबा धीरे धीरे पानी में उतरता है और उसे अपने सभी सकारात्मक गुण प्रदान करता है। इस पानी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह कभी भी पुराना नहीं होता और लंबे समय तक इसे संग्रहित किया जा सकता है। आइए देखते हैं तांबे का पानी या कॉपर वाटर पीने के फायदे। पाचन तंत्र के बेहतर काम करने में मदद करता है। कॉपर में गुण होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं और पेट में सूजन को कम करते हैं, जिससे अल्सर, अपचन और संक्रमण जैसी परेशानियों के लिए यह एक अच्छा उपाय बन जाता है। कॉपर आपके पेट को साफ करने और डिटॉक्स करने में मदद करता है। आपके लीवर और गुर्दे के काम को नियंत्रित करता है और अपशिष्ट का उचित उन्मूलन करता है। यही नहीं, भोजन के पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स का शरीर में ठीक से अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन सुनिश्चित करता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर और पेट की सूजन को कम करके पाचन समस्याओं को रोकने में मदद करता है। यह वजन घटाने में सहायता करता है। वजन घटाने की गारंटी देने वाले फाइबर समृद्ध फल खाने के बाद भी आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो नियमित रूप से तांबे के पात्र में संग्रहित पानी पीने का प्रयास करें। ये न केवल आपके पाचन तंत्र को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा बल्कि तांबा आपके शरीर के फैट्स को बर्न करने में मदद करेगा और इसे अधिक कुशलता से खत्म करने और शरीर से बाहर फेंकने में सहायक होगा। दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। हृदय रोग सबसे आम बीमारियों में से एक है और तांबा ऐसी बीमारियों के विकास को रोकने में मदद करता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कॉपर रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है और साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। घावों को तेजी से ठीक करने में मददगार है। कॉपर में एंटी बैक्टीरिया, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों का भंडार है और यही कारण है कि घावों को ठीक करने के लिए यह एक अच्छा उपकरण माना जाता है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है और नई कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। अनीमिया रोकता है। तांबे के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश प्रक्रियाओं में यह आवश्यक है। लोहे के अवशोषण में सहायता करने से लेकर हमारे सेल गठन तक तांबा हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक आवश्यक खनिज है। यही कारण है कि यह अनीमिया को दूर रखने में मदद करता है। शरीर में मौजूद आयरन को अवशोषित करने और उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया में एक आवश्यक कंपोनेंट है। तांबा शरीर में आयरन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और आपके रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में इसके प्रवाह को नियंत्रित करता है। एजिंग को नियंत्रित रखता है। प्राचीन इजिप्ट के लोग बहुत सारे तांबा आधारित सौंदर्यकारी एजेंटों का इस्तेमाल करते थे। इन दिनों कई त्वचा देखभाल उत्पाद तांबा आधारित होते हैं क्योंकि तांबा न केवल एंटीऑक्सीडेंट होता है बल्कि यह कोशिकाओं के पुनर्जन्म में भी सहायता करता है, जिससे त्वचा पर मुक्त एजेंटों के हानिकारक प्रभावों का असर नहीं पड़ता। कॉपर नई
और स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, जो पुरानी डेड स्किन सेल्स को प्रतिस्थापित करता है। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार थायराइड रोग से पीड़ित लोगों में आमतौर पर तांबे के निम्न स्तर होते हैं। तांबे के बर्तन का पानी पीने से उनको आवश्यक थायराइड हार्मोन स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है और हाइपोथायराइड और हाइपोथायराइड को रोकने में भी मदद होती है। इसीलिए यह कहना अनुचित नहीं है कि कॉपर थायराइड ग्रंथि के कामकाज को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्षमता बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क विद्युत आवेगों के माध्यम से शेष शरीर के साथ बातचीत करता है। कॉपर कोशिकाओं को इन आवेगों को पूरा करके एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करता है, जिससे मस्तिष्क अधिक तेजी और अधिक कुशलता से काम करता है। इसके अलावा तांबा मस्तिष्क उत्तेजक और विरोधी आवेगकारी गुणों के लिए जाना जाता है, जो आपके दिमाग के लिए अच्छा है। कैंसर के खतरे को कम करता है। एक और बीमारी जो तेजी से बेहद आम हो रही है वो है कैंसर। यह बीमारी रोगी और उनके परिवार दोनों को बहुत परेशान कर देती है। तांबे में बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं और उनके दुष्प्रभावों को अस्वीकार करते हैं, जो कैंसर के विकास के मुख्य कारणों में से एक है। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक तांबा कैंसर की शुरुआत को रोकने में मदद करता है। गठिया और जोड़ों की सूजन को कम करता है। कॉपर में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों को बहुत राहत प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त तांबे में हड्डियों को मजबूत करने वाले गुण होते हैं, जो इसे गठिया के लिए एक सही इलाज बनाता है। यह जरूरी है कि आप शुद्ध तांबे का बर्तन ही खरीदें। वो बर्तन ना लें जिसमें अन्य धातुएं भी मिश्रित हो। मार्केट में तांबे का कलश, तांबे का जग, तांबे की बॉटल या कॉपर बॉटल्स बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। शुद्ध तांबा और एक मिक्स्ड मेटल से बनाए बर्तन के बीच अंतर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है यह जानना कि तांबा बहुत नरम धातु है और शुद्ध तांबे को जटिल आकार में ढालना मुश्किल है। तो यदि आपके तांबे के बर्तन का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो यह संभव है कि वह शुद्ध तांबे से नहीं बनाया गया है। तांबे के बर्तन को धोने का तरीका। बर्तन के अंदर धोने के लिए एक मोटे स्क्रब का उपयोग ना करें, क्योंकि यह बर्तन से तांबे को घिस देगा। इसके बजाय आधे नींबू का उपयोग करें। आप रस को निचोड़ सकते हैं और इसे बर्तन के अंदर रब करें। इसे कुछ मिनट तक ऐसा ही छोड़ दें और फिर सादे पानी से धो लें। आप पानी के साथ बेकिंग सोडा का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर द्वारा कॉपर का सहज रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इस धातु का बहुत अधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। FDA के अनुसार शरीर के लिए किसी भी नुकसान के बिना उपयोग करने के लिए लगभग 12 मिलीग्राम कॉपर प्रतिदिन पर्याप्त है। इसीलिए एक तांबे के बर्तन से दिन में 2 या 3 बार पानी पिएं, आपको इतने में ही काफी लाभ होगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।